देश भर में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है, साथ ही उत्तराखंड में भी पारे की तपिश ने जीवन मुहाल कर दिया है। वहीं बात करें हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी में शुक्रवार को तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच गया। आपको बता दें लगातार बढ़ती गर्मी से मूर्छित होकर अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय से लेकर बेस अस्पताल व निजी अस्पतालों में हर दिन 10 से 20 मरीज पहुँच रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें और ज़रूरी होने पर ही धूप में निकले। साथ ही एसटीएच के मेडिसिन विभाग में ही शुक्रवार को 280 मरीज पहुंचे, जिनमें से 25 से 30 मरीज ऐसे थे जिन्हें गर्मी की वजह से किसी न किसी तरह की परेशानी थी, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, बीपी कम हो जाना आदि। ठीक इसी तरह बेस अस्पताल में भी फिजिशियन से लेकर इमरजेंसी में इसी तरह के मरीज पहुँच रहे हैं। वहीं देश के एक बड़े हिस्से में अत्यधिक गर्मी या लू का प्रकोप जारी है। दरअसल इस बार अत्यधिक गर्मी का यह दौर लंबा और असामान्य है। दिन का तापमान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, साथ ही दिल्ली, बिहार, उड़ीसा और गुजरात सहित कई राज्यों में लू की वजह से मौत हो रही है। आइए जानते हैं कि लू ज्यादा घातक क्यों होती जा रही है। दरअसल कंक्रीट से बने स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग, सड़कें, फुटपाथ और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर वृक्षों और नदी तालाबों की तुलना में सूरज की गर्मी को अवशोषित करके ज्यादा गर्मी उत्पन्न करते हैं। जिन शहरों में ये स्ट्रक्चर ज्यादा सघन है और हरियाली कम है, वो शहर आसपास के इलाकों और हरियाली वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक तापमान वाले आइसलैंड बन जाते हैं, जिसे अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट कहा जाता है। साथ ही शहरीकरण और ग्रीन कवर यानी हरियाली वाला क्षेत्र घटने से शहर ज्यादा गर्म हो रहा है, जिससे नमी भी अधिक हो रही है। वहीं जब गर्मी ज्यादा होती है तो पसीना भी जरूरत से ज्यादा बहने लगता है, इससे शरीर में सोडियम की कमी होने लगती है। इस स्थिति में शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है और डिहाइड्रेशन होने लगता है। साथ ही ब्रेन के सिग्नल सिस्टम भी खराब होने लगता है और इससे इंसान बेहोश हो जाता है। वहीं कुछ मामलों में ब्रेन डैमेज तक हो सकता है, जिससे मौत हो जाती है। इसलिए यह गरीबों के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है जिससे उनकी गर्मी से होने वाली थकान से राहत मिल सके।